चलिए बहुभुज में काम करेंगे। कोण और रेखा को ही आप समझ रहे हैं, कोण और रेखा वाले चैप्टर में ही एक टॉपिक है बहुभुज, उसको भी पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस शीट का जो नहीं बना है उसको टिक करके रख लीजिए, मैं प्रैक्टिस शीट का जो प्रश्न नहीं बना है उसको टिक करके रख लीजिए, मैं बता दूंगा। पूरा प्रैक्टिस शीट को एकदम बना लो, याद कर लो, नोट्स के प्रश्नों को बना लो, याद कर लो, बस इतना ही काम करो। चलो आ जाओ भाई, यहां आ जाओ, वैसे भी समय ज्यादा नहीं है मेरे पास, आज समय ज्यादा नहीं है, आ जाओ भाई। अब बातचीत बाद में करते हैं, एवरेज हो गया खत्म, ठीक है, आंसर की मैं भेजने का कोशिश करूंगा पूरा। चलो यहां आ जाओ भाई, आज क्लास बहुत ज्यादा लंबा नहीं ले पाऊंगा, आधा पौन घंटे का क्लास ले पाऊंगा, बाकी चार से पांच तो ले ही रहा हूं एलसीएम एचसीएफ का। रेखा और कोण पढ़ाया था आपको, अलग अलग प्रकार की रेखाएं, अलग अलग प्रकार के कोण पढ़े थे, उसी में एक टॉपिक है बहुभुज, नियमित बहुभुज बोलते हैं इसको, बहुभुज का मतलब नियमित बहुभुज, नियमित बहुभुज का मतलब आप समझेंगे क्या होता है। तो बहुभुज का एक टॉपिक है, यहां से भी प्रश्न व्यापम ने बहुत सारे पूछे हैं, इधर ध्यान दो, चलो अब इधर पे ध्यान दो, बहुभुज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुभुज से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं व्यापम के द्वारा, बहुत सारे प्रश्न, नियमित बहुभुज बोलूंगा इसको मैं, नियमित बहुभुज। अब क्या होता है नियमित बहुभुज, पहले समझो बहुभुज क्या होता है, तो तीन भुजाएं होनी चाहिए कम से कम, कम से कम तीन भुजाएं हो, कम से कम तीन भुजाएं हो, कम से कम तीन भुजाएं हो, और बंद आकृति होनी चाहिए, कम से कम तीन भुजाएं हो और बंद आकृति होनी चाहिए। तो कम से कम तीन भुजाएं हो और बंद आकृति होनी चाहिए, तो कम से कम तीन भुजाएं हो और बंद आकृति होनी चाहिए, पॉलीगॉन बोलते हैं इसको, पॉलीगॉन बहुभुज। तो कम से कम तीन भुजाएं हो और बंद आकृति होनी चाहिए, जैसे त्रिभुज क्या है, एक बहुभुज है, चतुर्भुज क्या है, एक बहुभुज है, पंचभुज क्या है, एक बहुभुज है, ये देखिए ये सब बहुभुज हैं, षटभुज क्या है, ये देखिए, ये देखिए ये भी क्या है, एक बहुभुज है, तो ये सब क्या है, एक बहुभुज है, मतलब कम से कम तीन भुजाएं हो और बंद आकृति, कम से कम तीन भुजाएं, तो कम से कम तीन, कम से कम का मतलब तीन या उससे अधिक चलेगा, तो कम से कम तीन भुजाएं हो और आकृति बंद होनी चाहिए। तो देख सकते हैं तीन भुजाएं हैं, आकृति बंद है, चार भुजाएं हैं, आकृति बंद है, तो कम से कम तीन भुजाएं हो और आकृति बंद हो, ऐसे आकृति को आप बोलेंगे बहुभुज। और यहां पर कहीं ना कहीं मैं नियमित बहुभुज की बात करूंगा, नियमित बहुभुज का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे त्रिभुज है तो इसके तीनों कोणों को बराबर बराबर ही मान के चलेंगे अपन, चतुर्भुज है तो इसके चारों कोणों को अपन बराबर बराबर ही लेंगे, पंचभुज है तो इसके पांचों कोणों को अपन बराबर बराबर ही लेंगे, ये जो पांच कोण है इसके बराबर बराबर लेंगे, षटभुज है तो इसके छह कोणों को अपन बराबर बराबर ही लेंगे। नियमित बहुभुज का मतलब हो जाएगा कहीं ना कहीं त्रिभुज मतलब तीनों कोणों को बराबर समझेंगे अपन, चतुर्भुज मतलब चारों कोणों को बराबर समझेंगे, पंचभुज मतलब पांचों कोणों को बराबर समझेंगे। एक बात ये भी आपको समझ में आ रहा है, जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं, जितने भुजाएं आप देख पा रहे हैं उतने ही कोण, जितनी भुजाएं उतने ही कोण। तो आप देख सकते हैं एकदम सिंपल सी बात है, त्रिभुज में भुजाएं कितनी, तीन, और कोण भी कितने, तीन, चतुर्भुज में भुजाएं चार और कोण भी कितने, चार, पंचभुज में भुजाएं कितनी, पांच, और कोण भी कितने, पांच, षटभुज में भुजाएं कितनी, छह, और कोण भी कितने, छह। तो जितनी भुजाएं उतने ही कोण होते हैं, ध्यान रखिएगा, जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो भुजाओं की संख्या कोणों की संख्या के बराबर, तो जितनी भुजाएं उतने ही कोण, तो भुजाओं की संख्या कोणों की संख्या के बराबर होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे, तो जितनी भुजाएं उतने ही कोण होते हैं। अब बहुभुज में आपने समझा कि कम से कम तीन भुजाएं और आकृति बंद होनी चाहिए, जितनी भुजाएं उतने ही कोण होंगे, त्रिभुज में तीन भुजाएं तो कोण भी तीन, चतुर्भुज में चार भुजाएं तो कोण भी चार, पंचभुज में पांच भुजाएं तो कोण भी पांच, षटभुज में छह भुजाएं तो कोण भी छह।
तो ऐसे ही अगर 10 भुजाओं वाली आकृति आप बनाएंगे तो कोण भी 10 होंगे, 9 भुजाओं वाली आकृति आप बनाएंगे तो कोण भी 9 होंगे। नियमित का मतलब क्या होगा, आप सिमेट्रिक मान के चलना। कहने का मतलब तीनों कोण बराबर, यहां पे चारों कोण बराबर, यहां पर पांचों कोण बराबर, यहां पर छयों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहां पर कुछ फॉर्मूले समझना, कुछ फॉर्मूले आएंगे बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग। इसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180, जहां पे n भुजाओं की संख्या बोल दो या कोणों की संख्या बोल दो एक ही बात है, तो n भुजाओं की संख्या को बोलो या कोणों की संख्या को बोलो एक ही बात है, n भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या एक ही बात है, भुजाओं की संख्या बोलो या कोणों की संख्या, क्योंकि जितनी भुजाएं उतने ही कोण, तो n भुजाओं की संख्या को बोलो या कोणों की संख्या को बोलो एक ही बात है। तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण जैसे त्रिभुज के ये तीनों आंतरिक कोण हैं, इन तीनों आंतरिक कोणों का योग इसकी बात कर रहा हूं, चतुर्भुज के ये चार आंतरिक कोण हैं, इन चारों आंतरिक कोणों का योग, पंचभुज के ये पांच आंतरिक कोण हैं, इन पांचों आंतरिक कोणों का योग, षटभुज के ये छह आंतरिक कोण हैं, इंटीरियर एंगल्स, तो इन छह आंतरिक कोणों का योग। समझ पा रहे हो बात को, तो मैं बात कर रहा हूं बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, इसका फॉर्मूला है n-2 × 180। ये ध्यान रखिएगा पहला फॉर्मूला, जहां पे n भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या, जैसे त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं हैं, तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, आपको पता भी 180 डिग्री होता है, लेकिन आप निकाल के देखो तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना आएगा, त्रिभुज मतलब तीन भुजाएं, तो एन का वैल्यू तीन रख दो, ये देखो कितना आएगा 1 × 180, ये देखिए 180 डिग्री आ गया। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग निकाल सकते हैं, जैसे चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग निकालना है, ये देखिए आपको पता है 360 डिग्री होता है, तो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, तो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, तो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, तो एन का वैल्यू कितना पुट कर दो, 4, तो 4-2 × 180 कितना हो जाएगा, 2 × 180 मतलब कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री आपको पता है। जैसे पंचभुज है, पंचभुज है, पंचभुज, तो पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग, n का वैल्यू 5 रख दो, तो 5-2 × 180 कितना हो जाएगा, 3 × 180 कितना आ जाएगा, 540। तो किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग आप इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। ये फॉर्मूला कहां से आया समझाऊंगा मैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को याद ही रखना है, समझाऊंगा मैं। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो ये बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग देगा। तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है, ये देखो आ रहा है। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है, आ रहा है। पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग 540 डिग्री होगा। तो किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग निकाल देना, n क्या बताएगा, भुजा की संख्या या कोणों की संख्या, क्योंकि दोनों सेम होता है, जितनी भुजाएं उतने ही कोण, तो n भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या को बताएगा, तो भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या को बताएगा n। तो त्रिभुज में भुजाएं तीन, कोण भी तीन, तो n का वैल्यू तीन। चतुर्भुज में भुजाएं चार या कोण भी चार, तो n का वैल्यू चार। पंचभुज में भुजाएं पांच या कोण भी पांच, तो n का वैल्यू पांच। तो ये देगा आपको बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। अब एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, मतलब जो इंटीरियर एंगल होगा ना बहुभुज का, वो कितने डिग्री का होगा, वो कैसे निकालेंगे।
तो बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, तो देखो कैसे आएगा, ये क्या बता रहा है, आंतरिक कोणों का योग, ये सारे के सारे कोणों का योग बता रहा है, बहुभुज के सारे कोणों का योग बता रहा है, ये सारे आंतरिक कोणों का योग। इसको अगर कोणों की संख्या से भाग दे दूंगा, ये देखिए, इसको अगर मैं कोणों की संख्या से भाग दे दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, एवरी इंटीरियर एंगल। और जैसा कि मैंने बोला, प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर ही लेकर चलेंगे, उसी को मैं नियमित बहुभुज बोल रहा हूं। आप खुद सोचो ना, ये क्या दे रहा है, आंतरिक कोणों का योग। जैसे त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना, 180। अब इसको अगर मैं कोणों की संख्या कितनी होती है त्रिभुज में, 3, उससे भाग दूंगा तो प्रत्येक आंतरिक कोण मिल जाएगा मुझे। ये देखो, जैसे मैं बोलूं त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, तो आपको पता है त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना लेंगे आप, 60-60 डिग्री का लेंगे, क्योंकि नियमित है। तो एन का वैल्यू कितना, 3 - 2 × 180 डिवाइड बाई कितना, 3। तो 1 × 180/3, इसका मतलब 180/3। ये देखो सिंपल सा फॉर्मूला, खुद से आपको समझ में आएगा कि सर ये आंतरिक कोणों का योग दे रहा है, ये आंतरिक कोणों का योग दे रहा है, उसको अगर मैं कोणों की संख्या से भाग दे दूंगा तो मुझे मिल जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग n - 2 × 180, ये देगा आंतरिक कोणों का योग। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री, पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग 540 डिग्री। और अगर मैं त्रिभुज के आंतरिक कोणों के योग को कोणों की संख्या से भाग दे दूं तो मुझे प्रत्येक कोण का मान मिल जाएगा। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों के योग को अगर मैं 4 से भाग दे दूं तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान मिल जाएगा। अगर पंचभुज के आंतरिक कोणों के योग को मैं 5 से भाग दे दूं तो मुझे पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है n - 2 × 180। अगर मैं इसको कोणों की संख्या यानी n से भाग दे दूं तो मुझे मिल जाएगा बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, एवरी इंटीरियर एंगल। तो त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। जैसे मुझे निकालना है पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, तो पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण n का वैल्यू कितना, 5 - 2 × 180। ये क्या हो गया, आंतरिक कोणों का योग, इसको डिवाइड करता हूं 5 से, क्योंकि पंचभुज में 5 कोण होते हैं, तो ये 5 कोणों का योग डिवाइड बाई 5 करूंगा, 5 कोणों का योग डिवाइड बाई 5 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देख लो 108 डिग्री मिला। तो पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा, 108 डिग्री का। भर भर के ऐसे प्रश्न व्यापम में पूछे गए हैं और सबसे आसान होते हैं यार, सबसे आसान मतलब इससे आसान नहीं है, एकदम आसान टॉपिक है। फॉर्मूला कहां से आया ये वाला बता दूंगा, बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग, ये फॉर्मूला आपको बता दूंगा कहां से आया, इसको n से भाग देंगे तो बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण मिल जाएगा। तो ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स का टोटल, और ये क्या है, एवरी इंटीरियर एंगल का वैल्यू है। ये बन जाएगा भाई यहां तक, n क्या है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या बोलो या कोणों की संख्या, क्योंकि बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी ना उतने ही कोण होंगे। बहुभुज किसको बोला मैं, 3 भुजाएं कम से कम हो और बंद आकृति हो, कम से कम 3 भुजाएं हो और बंद आकृति हो, उसी को बोलेंगे बहुभुज। तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ये सब क्या है, बहुभुज है, पॉलीगॉन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी भुजाएं उतने ही कोण होते हैं, जिसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो प्रत्येक आंतरिक कोण और आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग मतलब ये 3 कोण हैं, इन तीनों कोणों का योग, ये 4 कोण हैं, इन चारों का योग, ये 5 कोण हैं, इन पांचों का योग, ये हो गया आंतरिक कोणों का योग का मतलब। कैसे निकालेंगे, तो n - 2 × 180 करके निकालेंगे, जहां पे n हो जाएगा भुजाओं की संख्या या फिर कोणों की संख्या। तो त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योग कैसे बताया आप, n का वैल्यू 3 रखा, 3 - 2 × 180 आएगा। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कैसे बताया, 4 - 2 × 180 360 डिग्री आएगा।
पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कैसे बताया, 5 - 2 × 180 540 आ जाएगा। अब त्रिभुज के अगर आंतरिक कोणों का योग मुझे मिल गया है, उसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे प्रत्येक आंतरिक कोण मिल जाएगा। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग मुझे मिल गया है, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, 4 से, तो मुझे चतुर्भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण मिल जाएगा। पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग मुझे मिल गया है, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं 5 से तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण मिल जाएगा। 5 × 1 = 5, 5 + 0 = 0, 5 × 8 = 40, ध्यान रखिएगा 108 आएगा, 18 मत लिखना भाई। तो आप फॉर्मूला क्या बनाएं, प्रत्येक आंतरिक कोण n - 2 × 180, ये हो जाएगा आंतरिक कोणों का योग, इसको कोणों की संख्या से मैं भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रत्येक आंतरिक कोण। तो ध्यान से प्रश्न करना, आंतरिक कोणों का योग बोलेगा तो केवल इतना काम करना है, और प्रत्येक आंतरिक कोण बोलेगा तो ये फॉर्मूला है, आंतरिक कोणों का योग बोलेगा तो ये, और प्रत्येक आंतरिक कोण बोलेगा तो ये करना है। समझ आया भाई यहां तक, त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण तो आंतरिक कोणों के योग को 3 से भाग दे दिया, पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण तो आंतरिक कोणों के योग को 5 से भाग दे दिया। तो फॉर्मूला है यहां पर, फॉर्मूला ही ध्यान रखना है, कहां से आया फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन ध्यान आपको ये फॉर्मूला ही रखना है, याद रहेगा फॉर्मूला। चलो, इसी प्रकार बहुभुज का बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का एक्सटीरियर एंगल्स का योग, तो इसको याद रखेंगे, बहुत आसान है याद रखना, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, हमेशा। कोई भी बहुभुज बनाओ उसके बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण का मतलब क्या होता है समझो, बाह्य कोण का मतलब ये देखो, त्रिभुज का बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का बना के दिखा रहा हूं, त्रिभुज के आंतरिक कोण ये पता है 60-60 डिग्री के होंगे, नियमित बहुभुज है ये, इसीलिए सबको बराबर बराबर ले रहा हूं। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180, तो प्रत्येक आंतरिक कोण 60-60 डिग्री का, बाह्य कोण का मतलब ये होता है इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया ऐसा, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बाह्य कोण, ये देखिए ये हो जाएगा बाह्य कोण, जल्दी से बताओ तो ये बाह्य कोण कितने डिग्री का, ये हो जाएगा बाह्य कोण, ये हो जाएगा बाह्य कोण, इसको बोलेंगे बाह्य कोण, ये वाली रेखा को एक्सटेंड किया, ये वाली रेखा को एक्सटेंड किया, ये वाली रेखा को एक्सटेंड किया, यहां पे लगा दो कोणों का रैखिक युग्म, याद करो भाई, किसी रेखा के किसी बिंदु से उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180, तो ये 60, तो ये कितना 120, ये 60, तो ये कितना 120, ये 60, तो ये कितना 120, तो देख सकते हैं त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना आ रहा है 360 डिग्री। आप चतुर्भुज का देख लीजिए, चतुर्भुज का भी यही मिलेगा, ये देखिए चतुर्भुज है ये, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो सारे कोण 90-90 डिग्री के हो गए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, समझ आ रहा है, या फिर आप ऐसा करिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बाहरी कोण, ये देखिए ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो चतुर्भुज के त्रिभुज के कोई भी बहुभुज बनाओ, कोई भी बहुभुज बनाओ, बहुभुज के बाहरी कोणों का योग हमेशा क्या मिलेगा, 360 डिग्री, हमेशा 360 मिलेगा, बहुभुज के बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही मिलेगा, बाहरी कोणों का योग, कोई भी बहुभुज बनाओ, कोई भी बहुभुज बनाओ, बहुभुज के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री ही मिलेगा, हमेशा हमेशा मिलेगा 360 डिग्री। अब बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, ये देखिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 360 योग है, इसको कोणों की संख्या से भाग दे दो, तो बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, एवरी एक्सटीरियर एंगल, तो बाह्य कोणों का योग 360 है, तो उसको n से भाग दे दो, n से भाग दे दो भाई, तो प्रत्येक बाह्य कोण मिल जाएगा। जैसे मैं बोलूं त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण
त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, तो आप बोलेंगे त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, तो बाहरी कोणों का योग त्रिभुज का कितना होगा 360, इसको तीन से भाग दे दो तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना 120। चतुर्भुज के बाहरी कोणों का योग 360, इसको चार से भाग दे दो 90 आ जाएगा। पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, तो पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, 500 बाह्य कोण होंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण बाहरी कोणों का योग 360, इसको 5 से भाग दे दो कितना आ जाएगा 72 डिग्री। षटभुज का 60 आ जाएगा। बहुत आसान है यार, फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं बस। ये मैंने प्रूफ करके भी दिखाया, कोई भी बहुभुज बनाओ, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, ये देखिए बाह्य कोणों का योग, ये होते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 मिलेगा। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 मिलेगा, तो प्रत्येक बाह्य कोण, तो चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग 360, कितने बाह्य कोण हैं 4, तो प्रत्येक बाह्य कोण 360 को 4 से भाग देने पे। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360, कितने कोण है 3 ठो, 360 को 3 से भाग देने पे। तो चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग 360 है, तो प्रत्येक बाह्य कोण 360 को 4 से भाग देने पर प्राप्त होगा। त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 को 3 से भाग देने पर प्राप्त होगा। पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 को 5 से भाग देने पर प्राप्त होगा। तो फॉर्मूला क्या लिख दिया मैंने कि अगर चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, कोई भी हो, बहुभुज बोल रहा हूं मैं, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360, तो प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटा n। तो फॉर्मूला के नाम पे क्या क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास देखो तो एक बार, n-2 × 180, ये आया फॉर्मूला। ये क्या था, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग था, योग, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग था। तो प्रत्येक आंतरिक कोण आपने कैसे बताया, प्रत्येक आंतरिक कोण बताने के लिए इसको आप कोणों की संख्या से भाग दे दिए। तो ये था बहुभुज के बाहर, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, और ये क्या था, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना 360 डिग्री हमेशा, तो प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटा n। अब देखना प्रश्न में क्या दिया है, क्या पूछा है, फॉर्मूले लगाने हैं आपको। ये फॉर्मूला क्या बताया मैं, ये फॉर्मूला बताया मैं कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, ये योग का फॉर्मूला है, ये योग का डेटा है। तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, याद रखेंगे। हाँ अपूर्व, नियमित बोल रहा हूं ना, बोलेगा वो नियमित बहुभुज बोलेगा, बाकी अपन त्रिभुज चतुर्भुज वो सब अलग देखेंगे, वहां पर देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज में कोण क्या होते हैं, समबाहु में क्या होते हैं, समद्विबाहु में क्या होते हैं, वहां पर देखेंगे अपन, लेकिन अभी अपन बहुभुज की बात कर रहे हैं। सेपरेट जब पढ़ेंगे ना त्रिभुज, वहां पे अलग अलग प्रकार के त्रिभुज पढ़ेंगे, सेपरेट पढ़ेंगे चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, 2 90 से कम, 2 90 से अधिक होते हैं, तो वो अलग सेक्शन हो गया। अभी बहुभुज की बात कर रहा हूं, और बहुभुज बोला तो नियमित बहुभुज ही रहेगा, वो नहीं बोलेगा तो भी उसको नियमित ही मान के चलेंगे आप, वरना बता ही नहीं सकते। हितेश्वरी क्या बताना है बताइए, अरे ये तो फॉर्मूला ही लिखा हो, देखो फॉर्मूला ही लिखा हो। तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, बहुभुज का मतलब आपने समझा कम से कम 3 भुजाएं हो और बंद आकृति हो, त्रिभुज को बहुभुज बोलेंगे, चतुर्भुज को बहुभुज बोलेंगे, पंचभुज को बहुभुज बोलेंगे, तो कम से कम 3 भुजाएं हो और बंद आकृति हो। नियमित बहुभुज का मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों को बराबर लेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों को बराबर लेंगे, पंचभुज के पांचों कोणों को बराबर लेंगे, षटभुज के छहों कोणों को बराबर लेंगे। अब जितनी भुजाएं होती है उतने ही कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं मतलब 3 आंतरिक कोण, ये देखिए 3 आंतरिक कोण और 3 बाह्य कोण भी होंगे, ये देखिए 3 बाह्य कोण भी होंगे।
तो त्रिभुज में तीन भुजाएं तो तीन आंतरिक कोण, तीन बाह्य कोण। चतुर्भुज में चार भुजाएं तो चार आंतरिक कोण, चार बाह्य कोण। जितनी भुजाएं होती हैं किसी भी बहुभुज में उतने ही आंतरिक कोण और उतने ही बाह्य कोण होते हैं। किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं उतने ही आंतरिक कोण, उतने ही बाह्य कोण। तो अब मैं बोला पहला फॉर्मूला, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। जितने भी आंतरिक कोण होंगे ना, जैसे त्रिभुज में तीन होंगे, चतुर्भुज में चार होंगे, पंचभुज में पांच होंगे, तो आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालेंगे? n माइनस टू इंटू एक्स प्लस सी इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, n का वैल्यू तीन, एक सौ अस्सी आ गया। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग मतलब इन चारों कोणों का योग, n का वैल्यू चार, कितना आ गया? 360। पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो इन पांचों का योग कितना आ गया? 540। अब अगर मैं बोला त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना डिग्री होगा, तो आंतरिक कोणों का योग अगर इस फॉर्मूले से आ रहा है तो इसको n से अगर मैं भाग दे दूंगा तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान मिलेगा। तो त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान मिला 60 डिग्री, पंचभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान मिला 108 डिग्री। ये देगा योग, इसको अगर कोणों की संख्या से भाग दिया तो मुझे प्रत्येक आंतरिक कोण मिल जाएगा। इसके बाद मैंने बोला बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, कैसा भी बहुभुज हो। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, जैसे त्रिभुज को ही देख लो, त्रिभुज के बाह्य कोण तीन ठो बाह्य कोण होंगे, तीनों बाह्य कोणों का योग कितना? 360 डिग्री। तो कोई भी बहुभुज बनाओ, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान, अब सारे के सारे बाह्य कोणों का योग 360, तो इसको अगर कोणों की संख्या से भाग दिया तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान, ये देखो त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 बटा 3, चतुर्भुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 बटा 4, पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 बटा 5। तो बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, तो उसको कोणों की संख्या से भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण। तो अगर बात की आंतरिक कोणों का योग तो यह फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, बाह्य कोणों का योग तो यह फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, प्रत्येक आंतरिक कोण तो ये फॉर्मूला, प्रत्येक बाह्य कोण तो ये फॉर्मूला। इसके अलावा एक और खास बात समझिए, किसी भी बहुभुज के ध्यान से समझना, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज के, कोई भी बहुभुज हो, उसके किसी भी आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोण, जैसे यहां पर देखो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का टोटल कितना हो जाएगा? 180। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू कितना होगा? 180। हमेशा किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण का उसके बाह्य कोण के साथ योग कितना होगा? 180। ये देखो ना, त्रिभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का? 60। ये देखिए त्रिभुज के आंतरिक कोण को देखेंगे तो 60 डिग्री का है, ये बाह्य कोण कितने का? 120 का। ये 60 का तो ये 120 का, ये 60 का है तो ये कितने का है? 120 का। तो किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण का उसके बाह्य कोण के साथ योग कितना आएगा? 180 आएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, देखिए एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या, एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या, सम बहुभुज नियमित बहुभुज एक ही बात है, एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या 24 है, एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या 24 है, तो इस बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, तो इस बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, तो इस बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा? बताइए भाई, सॉल्व करिए। सम बहुभुज या नियमित बहुभुज एक ही बात है, तो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या 24 है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, और थोड़ा स्लो पढ़ाने से ही दिमाग में बैठेगा भाई, तभी तो पढ़ा रहा हूं स्लो ताकि दिमाग में बैठ जाए, घर में बहुत ज्यादा आपको रिवीजन ना करना पड़े, और एक्स्ट्रा क्लास 4 से 5 ले ही रहा हूं यार, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आराम से पढ़ाऊंगा, चीजें समझ में आएंगी, औसत बन रहा है ना, आप बिना पढ़े औसत के प्रैक्टिस शीट को लगा के देखते तो आपको समझ में आता कितना टफ प्रैक्टिस शीट था वो,
दोनों प्रैक्टिस शीट कितने सारे प्रश्न आप लगा पा रहे हो, क्योंकि आपने आराम से चीजों को पढ़ा है, आराम से चीजों को समझा है। और एक क्लास चार से पांच ले ही रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इधर चलेंगे तो दिक्कत होगी, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, तो चार से पांच में क्लास ले ही रहा हूं। बन गया होगा ये सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, 24। तो इस बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण। अब प्रत्येक आंतरिक कोण का मान पूछा है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान आराम से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, तो प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे बताएंगे, देखो n माइनस टू इंटू एक्स प्लस सी, ये तो आंतरिक कोणों का योग हो गया था, डिवाइड बाई n करेंगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण मिलेगा आपको। n क्या है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या 24, तो 24 माइनस दो इंटू एक्स प्लस सी डिवाइड बाई कितना, 24। ये हो जाएगा 22 इंटू एक्स प्लस सी डिवाइड बाई 24। कैलकुलेशन करना है बस आपको, देख लो कैलकुलेशन करो, यहां पर कितना आएगा देखो, डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड हो जाएगा, दो से, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15 एकम 15, 15 और एक 16, आराम से बनेगा। देखो आराम से पढ़ाने से ये होगा कि फॉर्मूले दिमाग में बैठ जाएंगे, बार बार बोलूंगा ना तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, एग्जाम में चीजें याद रहेंगी। और मैं बोल रहा ना, सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा मैं, बहुत अच्छी तरीके से एकदम रटा दूंगा आपको पूरे सिलेबस को। तो बोला क्या था, सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या 24 है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण मतलब आपने समझा, सर ये तो देगा आंतरिक कोणों का योग, इसको अगर मैं कोणों की संख्या से भाग दिया तो ये देगा आंतरिक कोणों का योग, इसको अगर मैं कोणों की संख्या से भाग दिया तो मुझे मिल जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण। तो इसको कैलकुलेट किया, एन का वैल्यू 24, 24 माइनस दो 22 इंटू 180 बटा 24, दो से कट किया 11, 12, 12 से कट किया 15, प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री का होगा। तो ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाएं 24 है, सोचो 24 भुजाएं हैं, वो कैसा बनेगा मुझे पता ही नहीं है, 24 भुजाएं हैं, सोचो 24 भुजाएं हैं और बंद आकृति है, तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री का होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री का होगा। बताओ तो मुझे प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, अगर सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या 24 है तो इस बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बताओ तो कितने डिग्री का होगा, जल्दी से बताओ प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, जल्दी बताओ तो मुझे प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोणों का योग नहीं बोला हूं नेहा, बाह्य कोणों का योग बोलता तब बोलते 360 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोण बोल रहा हूं, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण। अब देखो आप लोग फॉर्मूला लगाए होंगे, कुछ बच्चे फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता थी क्या, नहीं थी, आप प्रत्येक आंतरिक कोण निकाल चुके हैं, आप फॉर्मूला लगाए होंगे, चलिए फॉर्मूला लगाए होंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान ऐसे बताते हैं, ये था बाह्य कोणों का योग, इसको एन से भाग दिया तो ये हो गया प्रत्येक बाह्य कोण 360, एन का वैल्यू कितना है देखो तो 24, भाग दे दीजिए 12 दुनी 24, 12 तिया 36, दो से भाग दिया 15, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का, 15 डिग्री का। मैं बोला इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, क्यों नहीं थी, सर प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री का है, प्रत्येक आंतरिक कोण अगर 165 डिग्री का है तो ऑब्वियस सी बात है बाह्य कोण 15 डिग्री का ही होगा, क्योंकि आपको समझाया था प्रत्येक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होगा 180, तो प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री का, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना, 15 डिग्री का। ऐसे कर लेते आप, किए थे क्या ऐसे, बताओ तो मुझे कि सर निकालने की आवश्यकता नहीं थी, प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री का है तो प्रत्येक बाह्य कोण 15 डिग्री का होगा। बहुत बढ़िया, जो नहीं किए होंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो इस प्रश्न को पता है क्या करते हैं आप, इस प्रश्न को आप प्रत्येक आंतरिक कोण बोला ना तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकालते ही नहीं, पहले आप क्या निकाल लेते, प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लेते, ये देखो प्रत्येक बाह्य कोण पहले निकाल लेते आप क्या करते इस प्रश्न को, और क्या क्या तरीके हैं देखो। तो एक बार आपसे पूछा प्रत्येक आंतरिक कोण, तो आप प्रत्येक आंतरिक कोण ना बताकर क्या बता रहे हो, प्रत्येक बाह्य कोण बता रहे हो, प्रत्येक बाह्य कोण आप बता देते 15, क्योंकि प्रत्येक बाह्य कोण बताना बहुत आसान है सर, 360 को n से भाग देना है तो 360 को 24 से भाग दिया तो कितना आएगा, 15 आएगा, तो प्रत्येक बाह्य कोण 15 का है सर, तो ऑब्वियस सी बात है प्रत्येक आंतरिक कोण 165 का होगा।
ऐसे भी आंसर दे सकते थे, इतना कैलकुलेशन से बचना चाहते थे तो आपसे अगर प्रत्येक आंतरिक कोण पूछेगा तो आप पहले प्रत्येक बाह्य कोण बता देना, प्रत्येक बाह्य कोण 15 का तो ऑब्वियस सी बात है आंतरिक कोण कितने का, 165 का। ऐसे दिमाग में चीजों को बैठाओ, ऐसे दिमाग में चीजों को बैठाओ भाई, समय का बहुत वैल्यू होता है, ध्यान रखिए उस बात को। ऐसे करना था, अगर आपसे पूछा प्रत्येक आंतरिक कोण तो आप ऐसे बनाए n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई n करके, तो अच्छी बात है 165 डिग्री मिला। अब प्रत्येक आंतरिक कोण 165 का तो प्रत्येक बाह्य कोण 15 का। अगर आप पहले प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लेते तो वहां से आप आंसर दे देते प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री का, ऐसा भी कर सकते थे आप। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, 12 भुजा के नियमित बहुभुज, 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 12 भुजा के नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, के सभी आंतरिक कोणों का योग, के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। 12 भुजा के नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, के सभी आंतरिक कोणों का योग पूछा हो, ध्यान रखिएगा के सभी आंतरिक कोणों का योग पूछा हो, कितना होगा 1800। ऐसे ही प्रश्न आते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा प्रश्न इसमें इसी वैरायटी के मिलते हैं आपको, इसमें इसी वैरायटी के प्रश्न मिलेंगे आपको, इसमें बहुत ज्यादा टफ प्रश्न आ ही नहीं सकते। फॉर्मूला आपने समझ लिया है, 12 भुजा के नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, इसीलिए बोलता हूं कि बहुत आसान है रेखा और कोण वाला सेक्शन। आंतरिक कोणों का योग फॉर्मूला लगा दो, सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग, तो सभी आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला एन माइनस टू इंटू 180, n का वैल्यू कितना भुजा वाला है, 12 भुजा वाला है, तो 12 माइनस 2 इंटू 180 कितना हो गया, 10 इंटू 180 1800 डिग्री आएगा। तो 12 भुजा वाला बहुभुज कैसा बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन 12 भुजा वाला बहुभुज बनाएंगे तो उसके सारे आंतरिक कोणों को जब जोड़ेंगे तो 1800 डिग्री मिलेगा। 12 भुजाओं वाला बहुभुज बनाएंगे उसके सारे आंतरिक कोणों को जोड़ेंगे तो उसको सारे आंतरिक कोणों को जोड़ने पर मुझे मिलेगा 1800 डिग्री। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, पूछा गया प्रश्न, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सभी आंतरिक कोणों का योग, ध्यान रखिएगा जिसके सभी आंतरिक कोणों का योग, जिसके सभी आंतरिक कोणों का योग, जिसके सभी आंतरिक कोणों का योग 2160 डिग्री है। आंतरिक कोणों का योग दिया है तो आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला लगाना। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें जिसके सभी आंतरिक कोणों का योग 2160 डिग्री है, जिसके सभी आंतरिक कोणों का योग 2160 डिग्री है। जिसके सभी आंतरिक कोणों का योग, योग वाला फॉर्मूला लगाना भाई, 24-14 क्या आएगा प्रदीप कुमार, 24 कैसे आ रहा है देखो एक बार आपका, आलोक बहुत बढ़िया 14 आएगा, बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल प्रश्न बनते हैं इसमें, बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा ही नहीं, बहुत ज्यादा वेरिएशन के नाम पे इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत बढ़िया ठीक शानदार 14 आएगा, बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट करो फटाफट, ये सब स्कोरिंग है भाई, ये सब छोड़ना नहीं है, ये सब बहुत स्कोरिंग है, इसी में नंबर कमाना है आपको, ये सब छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत से। और देखना बच्चों को ये सब पता ही नहीं होता है, फॉर्मूला मैं बता दूंगा कैसे आया था। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें जिसके सभी आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग,
आंतरिक कोणों का योग बोला ना, तो आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कितना 2160, आंतरिक कोणों का योग 2160। अब आंतरिक कोणों का योग आपको क्या पता है, n माइनस टू इंटू 180 बराबर 2160। हम जानते हैं कि आंतरिक कोणों का योग ये होता है जो कि प्रश्न में कितना दिया है 2160। हम जानते हैं कि आंतरिक कोणों का योग n माइनस टू इंटू 180 होता है जो कि प्रश्न में कितना दिया है 2160। सिंप्लीफाई करते हैं, n माइनस टू 180 को ले आते हैं अपन इस साइड, योग बोला था ना तो योग का फॉर्मूला लगा रहा हूं, योग बोला था आंतरिक कोणों का योग दिया था तो योग का फॉर्मूला लगाओ, ध्यान रखिएगा भाई। यहां पे देखो आंतरिक कोणों का योग पूछा था तो योग का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो n माइनस टू इंटू 180 बराबर 2160, भाग दे दो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो n माइनस टू बराबर कितना आएगा 12, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, मतलब उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं 14, उस बहुभुज में 14 भुजाएं हैं, आसानी से बनेगा। देखो यहां पर क्या बोला, 12 भुजाएं हैं तो आंतरिक कोणों का योग बताओ, तो आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला लगाए, n का वैल्यू 12 पुट कर दिए। यहां पर क्या बोला, आंतरिक कोणों का योग इतना है तो भुजाएं बताओ, तो आंतरिक कोणों का योग इस बार दे दिया है तो n का वैल्यू बताए, यहां n दे दिया, योग पूछ लिया, यहां योग देकर n पूछ लिया, समझ आ रही है बात। एक और एग्जांपल लिखो जल्दी से, सुनील ऐसा होता है आप बना के देखो ना, होगा ही ऐसा, होगा ही ऐसा, आप बना के देखिएगा आकृति को और बाह्य कोण बनाइएगा, आपको मिलेगा बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 ही आएगा, मिलेगा आपको वो। एक और लिखो तो, एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप, एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप, एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण बोला है ना, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 150 डिग्री है, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 150 डिग्री है, तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप दिया है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप दिया है 150 डिग्री, तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाए होते ना तो और आसान हो जाता, लगाए हो क्या दिमाग थोड़ा अलग कि सर प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है तो बाह्य कोण होगा 30, तो बाह्य कोण वाला फॉर्मूला लगा दिए अपन, ऐसा किया हो क्या? एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप, प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री का है, चलो प्रत्येक आंतरिक कोण बोला मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला लगाओ, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना है 150, तो हम प्रत्येक आंतरिक कोण वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n माइनस टू इंटू 180 डिवाइड बाई कितना n बराबर कितना 150। ये प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, अगल बगल इसीलिए लिखा हो, यहां पर बोला था आंतरिक कोणों का योग 2160 है, ये देखो आंतरिक कोणों का योग 2160 है, तो आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला लगाया, बराबर में क्या लिखा 2160, तो आंतरिक कोणों का योग 2160 है, तो आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला लगाया, बराबर में 2160 लिखा, प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला लगाया, बराबर में क्या लिखा 150, तो आपको दिया जो रहेगा उसी का फॉर्मूला तो लगाओगे ना यार, प्रत्येक आंतरिक कोण बोलता तो मैं क्या करता, डिवाइड बाई एन करता, केवल इतना क्या बताता है ये आंतरिक कोणों का योग, तो आंतरिक कोणों का योग बोलेगा तो ये फॉर्मूला, प्रत्येक आंतरिक कोण बोलेगा तो ये फॉर्मूला, तो यहां पर प्रत्येक आंतरिक कोण का वैल्यू 150 दिया है, तो यहां से प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला लगा के बराबर में 150 लिखो, कट करो 0 से 0, 3 5 15 3 6 18, थोड़ा आसान हो जाएगा, 3 5 15 3 6 18, 6 का n में मल्टीप्लाई करो 6n माइनस 12 बराबर n का 5 में गुणा करो 5n,
अब 6n में से 5n घटेगा, माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12, तो n का वैल्यू कितना होगा 12। समझ आ रहा है क्या किया हो? 0 से 0 काटा, ये देखो 0 से 0 काटा, 3 से कट किया, 3 6 18, 3 5 15, 6 का n में गुणा किया 6n, 6 का 2 में गुणा किया 12, और ये n का 5 में गुणा किया 5n, तो n का वैल्यू कितना आया 12। एक तरीका ये हो गया प्रश्न को बनाने का, एक तरीका ये है आपके पास। दूसरा तरीका क्या है? आप बोलते सर प्रत्येक आंतरिक कोण 150 का है, तो यहां से मुझे पता चल गया कि उस बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 30 डिग्री का है, उस बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 30 डिग्री का है। अब प्रत्येक बाह्य कोण 30 डिग्री का, तो प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला लगा दिया सर, 360 बटा एन बराबर 30, तो यहां से एन का वैल्यू मुझे आसानी से मिल गया, ये देखिए कितना 12। ऐसे भी तो कर सकते थे। आपने बोला सर आप मुझे प्रत्येक आंतरिक कोण का माप दिए, मैं यहां से प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकाल लिया, और प्रत्येक बाह्य कोण का माप 30, तो प्रत्येक बाह्य कोण कैसे फाइंड करूंगा? 360 बटा एन करके। यही तरीका होता है प्रत्येक बाह्य कोण फाइंड करने का, 360 बटा एन करते हैं प्रत्येक बाह्य कोण के लिए बराबर 30, तो एन का वैल्यू 12। कौन कौन ऐसे किया था बताओ तो, ये वाला तरीका फॉलो किए थे क्या? बहुत बढ़िया, इसमें थोड़ा काम आसान हो गया। प्रत्येक आंतरिक कोण 150 का, तो प्रत्येक बाह्य कोण 30 का। अब प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटा एन बराबर 30, तो एन का वैल्यू कितना 12 आ जाएगा। तो कैसे भी करो बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो प्रत्येक आंतरिक कोण, ध्यान ये रखना है आपको कि अगर आपको दिया क्या है प्रश्न में आंतरिक कोणों का योग, तो आप आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला लगाना। आपको प्रश्न में अगर दिया है प्रत्येक आंतरिक कोण का वैल्यू, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला लगाना। तो आंतरिक कोणों का योग बोला तो यह है योग का फॉर्मूला, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान तो यह है फॉर्मूला, बाह्य कोणों का योग तो हमेशा 360, और प्रत्येक बाह्य कोण का मान तो यह है फॉर्मूला। प्रश्न में जो बोलेगा उसके हिसाब से काम करना। दो तीन प्रश्न बच गए हैं यार। विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या वगैरह वाले कुछ प्रश्न बन गए हैं, मतलब बच गए हैं, जिसमें विकर्ण कितने हैं ये भी फाइंड करना सीखते। कल शुरू के 15-20 मिनट में खत्म कर देंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। लाइन और एंगल के कुछ प्रश्न और कराऊंगा कल, तो कल पूरा खत्म हो जाएगा, कल एक घंटे में पूरा खत्म, रेखा और कोण पूरा खत्म। कल एक घंटे क्लास और लूंगा, रेखा और कोण पूरा खत्म करूंगा, बताऊंगा ये फॉर्मूले कहां से आए हैं। मेनली तो एक ही फॉर्मूला समझाना है कहां से आया है, ये फॉर्मूला समझाऊंगा कहां से आया है। ये तो आपने खुद से निकाला, ये भी आपने खुद से निकाला, ये भी आपने खुद से निकाला। तो रेखा और कोण का एक घंटे का लेक्चर और बचा है, कल खत्म करूंगा पूरी तरीके से। समझ आया? बहुत आसान लेक्चर लगा आज का तो। ठीक है, फिर से सेंड करा दूंगा। हाँ बिल्कुल वेंकटेश, वेंकटेश देखो बताया था ना अभी, किसी भी बहुभुज का, किसी भी बहुभुज का, जैसे त्रिभुज देखो, किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होगा 180। कोई भी बहुभुज हो, ये देखो कोई भी बहुभुज हो, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होगा 180। ये देखो कोई भी बहुभुज बनाओ, ये देखो कोई भी बहुभुज बनाओ, ये मान लो कौन सा बहुभुज है, पंचभुज। पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 105 डिग्री का, 108 डिग्री का निकाले थे, ये देखो 108 डिग्री का निकाले थे आप, 108 डिग्री का निकाले थे, याद करो, याद आ रहा है क्या? पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का निकलेगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई कितना n, तो n का वैल्यू कितना 5। ये देखो ऐसे ही तो निकाले थे आप, 5 3 15, 5 6 30, कितने डिग्री का निकाले थे? 108 डिग्री का। तो पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का निकाले थे? 108 डिग्री का। ये देखिए 108 डिग्री का, ये देखिए 108 डिग्री का, ये कितने डिग्री का? 108 डिग्री का। तो अगर ये 108 डिग्री का है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? ये अगर 108 डिग्री का है, आंतरिक 108 डिग्री का है, तो ये कंफर्म कितने डिग्री का होगा? 72। तो प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग, प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होगा? 180 होगा। आप बोलेंगे सर यहां पे तो 90 बन रहा है, 90 नहीं बनेगा भाई, ये 108 है तो ये कितना बनेगा? 72 ही बनेगा, वो डायग्राम ऐसा दिख रहा है, ऐसा मत सोचना। 108 का मतलब कैसा बनेगा? 108 मतलब ऐसा कुछ बन रहा है, ये 108 डिग्री है,
तो कंफर्म है कि बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, 72 डिग्री का। तो आपने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी बहुभुज में, देखो ना त्रिभुज में भी देख लो आंतरिक कोण और बाह्य कोण योग कितना 180, चतुर्भुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोण योग कितना 180, पंचभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोण योग कितना 180। तो उसी प्रकार यहां पर अगर आपको दिया था किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 का, तो बाह्य कोण कंफर्म 30 का होगा। तो बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण 30 का, तो प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला लगा के निकाल दिया, ऐसा काम किए थे आप, थोड़ा आसान हो गया था। ऐसे भी कर सकते हो लेकिन ऐसे में थोड़ा आसान हो गया था। निर्मल कराऊंगा प्रश्न थोड़ा सा और, ये तो समझ आया ना आज का लेक्चर तो समझ आ गया ना आपको, रेखा और कोण कल कंप्लीट करेंगे पूरा, और बहुत अच्छी तरीके से देखना, मस्त एकदम तैयारी हो जाएगा भाई, क्योंकि समय आपके पास है और ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट पे विश्वास रखिए, रेखा और कोड का दिलवा दूंगा भाई, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है। योगेंद्र पूरा बनेगा, शिल्पा प्रैक्टिस करिए बनेगा पूरा बनेगा। कल आपने बहुभुज को समझा था, बहुभुज को आपने समझा था, नियमित बहुभुज ही देगा आपको अगर दे रहा है तो आपने बहुभुज को समझा था कि बहुभुज का मतलब जिसमें कम से कम तीन भुजाएं हो, बंद आकृति हो, उसको आपने बोला था बहुभुज। अब बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों की बात चलती है, तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग आपने समझा था, कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग आपने समझा था n-2 × 180। ये बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग था। अगर बात करेगा आंतरिक कोणों के योग की, तो n-2 × 180 लेंगे आप, अगर आंतरिक कोणों के योग की बात करेगा तो। और यहीं से अगर आपको प्रत्येक आंतरिक कोण फाइंड करना है, तो आंतरिक कोणों का योग आपको पता है n-2 × 180, इसको कोणों की संख्या से भाग दे दीजिए तो प्रत्येक आंतरिक कोण आपको मिल जाएगा। तो आंतरिक कोणों के योग की बात करेगा तो ये, और प्रत्येक आंतरिक कोण बोलेगा तो ये फॉर्मूला। इसी प्रकार आपने समझा था बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ये मैंने समझाया था आपको, कैसा भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप अगर आपको निकालना है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कैसे निकालेंगे, 360 को n से भाग देकर। तो ये आंतरिक कोणों का योग, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए आप कोणों की संख्या से भाग दे देंगे, प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए आप 360 को n से भाग देंगे। तो कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण 360 अगर बाह्य कोणों का योग है, तो प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकलेगा, 360 को कोणों की संख्या से भाग दे देंगे आप। चलो यहां तक फॉर्मूला पूरा समझा दिया था, यहां तक सारे फॉर्मूले हो चुके हैं, विकर्ण को समझते हैं, उसके बाद प्रश्न करेंगे अपन। विकर्ण ये फॉर्मूले हो चुके थे, इसके अलावा एक बात और समझाया था कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, आंतरिक और बाह्य कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के किसी भी आंतरिक कोण का मान उसके बाह्य कोण के साथ अगर जोड़कर देखेंगे तो 180 आएगा। कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के किसी आंतरिक कोण को उसके बाह्य कोण से जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यह हमेशा आता है। विकर्ण की बात करते हैं, चलिए विकर्ण की बात करते हैं। मुझे बताओ तो त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, जल्दी से बताओ त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे? 0, 3, 2, 1 कितने होंगे? विकर्ण क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर को मिलाना होता है बस,
देखो त्रिभुज में आप देखेंगे तो कितने शीर्ष हैं, तीन। अब देखो विकर्ण क्या होता है, शीर्षों को मिलाओ, शीर्षों को मिलाओ। तो त्रिभुज में अगर विकर्ण की संख्या देखेंगे तो कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। कैसे जीरो मिलेगी, ये वाले शीर्ष से इसको तो मिला नहीं सकते, ऑलरेडी मिला हुआ है। ये वाले शीर्ष से इसको तो मिला नहीं सकते, ऑलरेडी मिला हुआ है। ये वाले शीर्ष से इसको तो मिला नहीं सकते, ऑलरेडी मिला हुआ है। देखो विकर्ण का मतलब शीर्षों को मिलाइए, तो ये वाले शीर्ष को पकड़ा पहले, ये वाले शीर्ष से ये वाला शीर्ष ऑलरेडी मिला हुआ है, भुजा है। ये वाले शीर्ष से ये वाला शीर्ष ऑलरेडी मिला हुआ है, भुजा है। ये वाले शीर्ष को पकड़ा, ये वाले शीर्ष से ये वाला शीर्ष ऑलरेडी मिला हुआ है, भुजा है। ये वाले शीर्ष से ये वाला शीर्ष ऑलरेडी मिला हुआ है, भुजा है। ये वाले शीर्ष को पकड़ा, ये वाले शीर्ष से ये वाला शीर्ष ऑलरेडी मिला हुआ है, भुजा है। ये वाले शीर्ष से ये वाला शीर्ष ऑलरेडी मिला हुआ है, भुजा है। इसका मतलब त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे, त्रिभुज में जीरो विकर्ण होंगे। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, जल्दी से बताओ, चतुर्भुज में विकर्ण कितने होंगे। विकर्ण शीर्षों को मिलाइए, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, दो होंगे। ये देखिए आप समझ जाएंगे भाई, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, याद नहीं करना है, समझ जाएंगे। देखो ये वाले शीर्ष से बचे हुए तीनों शीर्षों को मिलाओ, तो ये वाले शीर्ष से इसको तो मिला नहीं सकता, इसको तो मिला नहीं सकता, बस इसको मिला सकता हूं, एक विकर्ण ये हो गया। अब ये वाले शीर्ष से इसको तो मिला नहीं सकता, इसको तो मिला नहीं सकता, ऑलरेडी भुजा है, तो ये वाले शीर्ष को मिला सकता हूं, ये दो विकर्ण हो गए। ये वाले शीर्ष से इसको मिला नहीं सकता, इसको मिला नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी मिल चुका है, फिर से थोड़ी मिलाओगे आप, ऑलरेडी मिल चुका है। ये वाले शीर्ष से इसको मिला नहीं सकता, इसको मिला नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी भुजा है। ये वाले शीर्ष ऑलरेडी देखेंगे तो मिल चुका है, तो कितने, दो विकर्ण होंगे। एकदम सिंपल है, वापस से समझा देता हूं, विकर्ण कैसे ड्रॉ करते हैं, वापस से देख लीजिए, विकर्ण आप कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखो भाई, विकर्ण कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लो ये चतुर्भुज है, मान लो ये चतुर्भुज है, इसका विकर्ण मुझे ड्रॉ करना है। कैसे विकर्ण ड्रॉ करेंगे, ध्यान से समझना, विकर्ण ड्रॉ कैसे करते हैं, शीर्षों को मिलाइए, ये वाले शीर्ष से आप बचे हुए शीर्षों को मिलाइए, तो ये वाला तो मिला नहीं सकते, ऑलरेडी भुजा है, ये वाला मिला नहीं सकते, ऑलरेडी भुजा है, ये वाले को मिला सकते हैं, तो एक विकर्ण ये हो गया। अब ये वाले शीर्ष को पकड़िए, ये वाले को मिला नहीं सकता, भुजा है, ये वाले को मिला नहीं सकता, भुजा है, ये वाले को मिलाऊंगा, तो ये हो गया दूसरा विकर्ण। अब ये वाले शीर्ष को पकड़िए, ये वाले को मिला नहीं सकता, ये वाले को मिला नहीं सकता, ये वाले को मिला सकता हूं, जो कि ऑलरेडी मिला हुआ है। ये वाले शीर्ष को पकड़िए, ये वाले को मिला नहीं सकता, ये वाले को मिला नहीं सकता, ये वाले को मिलाऊंगा, ऑलरेडी मिला हुआ है, तो चतुर्भुज के विकर्ण कितने, दो। अब देखो विकर्ण को लेकर के प्रश्न आते हैं, तो विकर्ण की संख्या किसी भी बहुभुज में, इसका एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, बहुभुज में विकर्ण की संख्या, तो बहुभुज में विकर्ण की संख्या आप अगर ऐसे बनाने नहीं बैठेंगे, फॉर्मूला से बताना है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू, n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू। इस फॉर्मूले से आप किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या बता सकते हैं। ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, इस फॉर्मूले से किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या बता सकते हैं। चलो त्रिभुज में बताते हैं, चलो त्रिभुज में बताते हैं, त्रिभुज में भुजाएं कितनी, तीन, कोण कितने, तीन, मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तीन, तो n का वैल्यू तीन हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं तीन में तीन गया कितना आ जाएगा, जीरो, तो जीरो का तीन में गुणा होगा तो जीरो, जीरो को दो से भाग दूंगा तो जीरो ही आएगा। चतुर्भुज में बताते हैं, ये देखिए चतुर्भुज में बताते हैं, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, तो एन का वैल्यू चार, क्योंकि चार भुजा चार कोण, तो एन का वैल्यू चार, तो चार इंटू चार माइनस तीन बटा दो कितना आएगा, देखो तो दो से काटा चार को दो बार में, दो इंटू एक कितना आ गया, दो। पंचभुज में बताते हैं, ये देखिए पंचभुज में, तो पंचभुज में बताते हैं, तो पंचभुज में कैसे बताएंगे, n का वैल्यू पांच, तो पांच माइनस तीन डिवाइड बाई दो कितना आएगा, देखो पांच इंटू पांच में तीन गया दो बटा दो कितना आ रहा है, पांच। तो पंचभुज में विकर्ण की संख्या कितनी आएगी, पांच। तो किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं, n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू करके। ये n क्या है, तो आपको पता है n भुजा की संख्या या कोणों की संख्या को बताता है,
भुजाओं की संख्या को बताएगा या फिर कोणों की संख्या को बताएगा। तो n जो है भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो त्रिभुज में n का वैल्यू 3, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5। देखो तो एक बार पंचभुज में अपन बना के देखते हैं। देखो तो एक बार पंचभुज में बना पा रहे हो क्या पांच विकर्ण? चलो बना के देखते हैं। ये शीर्ष हैं इसके, ये देखिए ये इसके शीर्ष हैं, ये पंचभुज है। चलिए ये वाले शीर्ष को पकड़ा, इससे ये तो मिला नहीं सकता, इससे ये तो मिला नहीं सकता, ये वाला मिला सकता हूं एक विकर्ण, ये वाला मिला दिया दो विकर्ण, दो विकर्ण खिंचा गए। ये वाले शीर्ष को पकड़ा, ये वाले से ये वाले को मिला नहीं सकता, ये वाले से ये वाले को मिला नहीं सकता, ऑलरेडी भुजा है वो, लेकिन ये वाले को मिलाया तीसरा विकर्ण, ये वाले को मिलाया चौथा विकर्ण। अब इस शीर्ष को पकड़ा, ये वाले को तो मिला नहीं सकता, ये वाले को तो मिला नहीं सकता, ये वाले से ये वाला ऑलरेडी मिला हुआ है एक, ये वाले को मिला दिया, ये मिल गया मेरे को पांचवा विकर्ण। ये वाले शीर्ष को पकड़ा, ये वाले को मिला नहीं सकता, ये वाले को मिला नहीं सकता, ये वाले से ये वाला ऑलरेडी मिला हुआ है, ये वाले से ये वाला ऑलरेडी मिला हुआ है। ये वाले शीर्ष को पकड़ा, ये वाले को मिला नहीं सकता, ये वाले को मिला नहीं सकता, ये वाले से ये वाला ऑलरेडी मिला हुआ है, ये वाले से ये वाला ऑलरेडी मिला हुआ है। तो कितने विकर्ण खींच पा रहे हैं? पांच। ये देखो बन गया। तो ड्रॉ भी करना आना चाहिए, आप वैल्यू पुट करिए अच्छी बात है, लेकिन ड्रॉ भी करना आना चाहिए आपको। शीर्षों को मिलाइए, आप शीर्षों को मिलाइए, एकदम सिंपल सा है। आप एक एक शीर्ष को पकड़िए, एक एक शीर्ष को पकड़िए, ये वाले शीर्ष को पकड़िए आप, ये देखिए ये वाले शीर्ष को अगर मैं पकड़ता हूं, ये वाले शीर्ष को, तो इससे ये वाले को और ये वाले को तो मिलाऊंगा नहीं, ये वाले को मिला दिया पहला विकर्ण, ये वाले को मिला दिया दूसरा विकर्ण। अब ये वाले शीर्ष को पकड़ा, ये वाले को तो मिलाऊंगा नहीं, भुजा है वो, तो ये वाले को मिलाया तीसरा, ये वाले को मिलाया चौथा। अब ये वाले शीर्ष को पकड़ा, ये वाले को तो मिलाऊंगा नहीं, ये वाले को मिला दिया, समझ आ रहा है, ये वाले को मिलाया, ये देखिए ऑलरेडी मिला हुआ है, पहले ही मिला चुके हो, ये वाला एक मिला दिया मैं, पांचवा विकर्ण खिंचा गया। अब ये वाले शीर्ष को पकड़ा, ये वाला तो मिला नहीं सकता मैं, भुजा का निर्माण हो रहा है, ये ऑलरेडी मिला हुआ है, ये ऑलरेडी मिला हुआ है, ये वाले शीर्ष को पकड़ा मैं, ये ऑलरेडी मिला हुआ है, ये ऑलरेडी मिला हुआ है, ये दोनों को मिला नहीं सकता मैं। तो कितने विकर्ण खींच पा रहे हैं? पांच। तो एग्जाम में या तो खींच लो आकृति बनाकर, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आकृति आ गया जहां पे आकृति ही ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो फॉर्मूला आपके पास है n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू, जैसे षटभुज में निकालना होता निकाल देंगे, षटभुज में कितना निकालेंगे, n का वैल्यू 6 पुट करना, तो 6 माइनस 3 कितना, 3 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 3 त्रिका 9, तो षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो षटभुज में विकर्णों की संख्या 9, तो ये फॉर्मूला बड़े काम का है यार, ये बड़े काम का फॉर्मूला है। आप आराम से किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या बता सकते हैं। बाकी खींचना भी आपको सिखा दिया हूं, शीर्षों को मिलाना होता है। त्रिभुज में जीरो विकर्ण क्यों है, त्रिभुज में जीरो विकर्ण के कारण को समझिए। ये वाले शीर्ष को पकड़ा, ये ऑलरेडी भुजा है, ये ऑलरेडी भुजा है, ये वाले शीर्ष को पकड़ा तो ये ऑलरेडी भुजा है, ये ऑलरेडी भुजा है, ये वाले शीर्ष को पकड़ा तो ये ऑलरेडी भुजा है, ये ऑलरेडी भुजा है। तो त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं खींचते हो आप। चतुर्भुज को पकड़ा, ये वाले शीर्ष को पकड़ा तो ये ऑलरेडी भुजा, ये ऑलरेडी भुजा, तो एक ठो विकर्ण ये खींचा गया। ये वाले शीर्ष को पकड़ा तो ये ऑलरेडी भुजा, ये ऑलरेडी भुजा, तो ये वाले को खींच दिया दूसरा विकर्ण। अब ये वाले शीर्ष को पकड़ा तो ये ऑलरेडी भुजा, ये ऑलरेडी भुजा, तो ये एक विकर्ण ऑलरेडी खींचा हुआ है। ये वाले शीर्ष को पकड़ा तो ये ऑलरेडी भुजा, ये ऑलरेडी भुजा, और ये खींचा हुआ है। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण, 2। खींचना भी आना चाहिए, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। समझ आ गया सभी को? जल्दी से बताओ, समझ आया भाई सभी लोगों को? बोलो जल्दी से। तो फॉर्मूलों में एक और फॉर्मूला ऐड हो गया, बहुभुज में विकर्ण आप कैसे बताएंगे? तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या, इसका फॉर्मूला भी एक ऐड कर लेंगे आप, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, आंतरिक कोणों का योग प्रत्येक आंतरिक कोण, बाह्य कोणों का योग प्रत्येक बाह्य कोण,
और विकर्णों की संख्या, इतने फॉर्मूले बहुभुज को लेकर के हैं। विकर्ण खींचना भी आप सीख चुके हैं। चलिए प्रश्न लिखिए। व्यापम में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को करा रहा हूं अब। व्यापम में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को डील करते हैं। लिखिए, पटवारी 2017 में पूछा गया था, लिखेंगे प्रश्न को। एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, दिमाग लगाना, जल्दी आंसर देना। एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो उस सम बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो उस सम बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो उस सम बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो उस सम बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? बनाओ आप। प्रत्येक आंतरिक कोण दिया है तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला लगाओ, या फिर प्रत्येक आंतरिक कोण दिया है तो पहले प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लो। और सम बहुभुज, नियमित बहुभुज, मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होगा, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होगा। तो प्रत्येक आंतरिक कोण से आप प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लो पहले, और उसके बाद प्रश्न को सॉल्व कर लो। प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला आसान होता है, 360 बटा एन, वहां से ज्यादा आसान हो जाएगा। बाकी आपका मन है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे बनाइए। तरीके दो हैं आपके पास, बहुत बढ़िया, 10 आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट सभी लोग आंसर दो भाई, 10 आएगा। तो प्रत्येक आंतरिक कोण, एक तरीका यह है कि आपको सर प्रत्येक आंतरिक कोण दिया है तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, ध्यान रखिएगा, केवल इतना लिख दोगे ना तो ये क्या है, आंतरिक कोणों का योग है ये। लेकिन बात हो रही है प्रत्येक आंतरिक कोण की। अब काटो भाई, 12 से काटो तो 12 12 में 144, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, फिर से काटो 3 पचे 15, 3 चौको 12, जितना काट सकते हो काट देना। बराबर के दोनों साइड सेम पोजीशन पे डेटा कट रहा है, काटो। तो 180 को काटा 12 से, 144 को काटा 12 से। आप खुद सोचो ना, 180 इसके नीचे जाके कटेगा, इससे अच्छा मैं यहीं पे काट देता हूं। 180 को 12 से, 144 को 12 से, तो 12 से 15 बार, 12 से 12 बार, 3 से 5 बार, 3 से 4 बार। अब 5 का n में गुणा किया 5n, 5 का 2 में गुणा किया 10, 4 का n में गुणा किया 4n, तो 5n, ये प्लस वाला 4n इधर आया तो माइनस का हो गया, और ये माइनस 10 उधर गया तो प्लस 10 हो गया। तो n का वैल्यू कितना आया, 10। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री का है तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 10। उस बहुभुज में 10 भुजाएं होंगी। एक तरीका यह है कि आप आंतरिक कोण दिया था तो आंतरिक कोण को ही लेकर प्रश्न को सॉल्व किए। तो प्रत्येक आंतरिक कोण दिया था 144 डिग्री का, प्रत्येक आंतरिक कोण मतलब उस बहुभुज का हर आंतरिक कोण 144 डिग्री का है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री का, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180 बटा n, बटा n मत करना, मतलब करना मत भूलना, बटा n करना मत भूलना, क्योंकि n माइनस 2 इंटू 180 केवल ये लिखोगे ना तो ये आंतरिक कोणों का योग है, उस बहुभुज के सारे आंतरिक कोणों का योग है। डिवाइड बाई n करोगे तब प्रत्येक आंतरिक कोण मिलता है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण 144, आप प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला लिखिए, काटे इसको 12 से, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 12 12 में 144, 3 पचे 15, 3 चौको 12। तो 5 का n में मल्टीप्लाई किया 5n, माइनस 5 का 2 में मल्टीप्लाई किया 10, 4 का n में मल्टीप्लाई किया 4n, तो n का वैल्यू 10 आया। दूसरा तरीका क्या है, प्रत्येक आंतरिक कोण दिया है तो यहां से प्रत्येक बाह्य कोण बता दो। प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा भाई। कैसे हो जाएगा 36 डिग्री? सर मुझे पता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो आंतरिक कोण अगर 144 है तो कंफर्म है कि बाह्य कोण कितना होगा, तो 180 में से 144 को घटा दूंगा सर,
तो 180 में से 144 को घटाऊंगा सर, तो 180 में से अगर मैं 144 को घटाऊंगा तो क्या आएगा, 36 डिग्री आएगा सर। और इतना मत करना भाई, ओरली करना ना यार, 144 में क्या जोड़ू जिससे 180 आ जाए, 36 जोड़ूंगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री का, प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला 360 बटा एन बराबर 36, तो एन का वैल्यू 360 बटा 36। ये ज्यादा आसान हो गया, देखो 10 आ गया, ये ज्यादा आसान हो गया। प्रत्येक आंतरिक कोण 144 का, तो प्रत्येक बाह्य कोण 36 का, प्रत्येक बाह्य कोण 36 का, तो प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला 360 बटा एन बराबर 36, तो एन का वैल्यू 10। ये ज्यादा आसान हो जाएगा। तो 2017 के पटवारी में पूछा गया था इसको, 2017 के पटवारी में इसको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। यदि किसी समबहुभुज का एक अंतःकोण, यदि किसी समबहुभुज का, यदि किसी समबहुभुज का एक अंतःकोण, एक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से, उसके बाह्य कोण से, उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है, 132 डिग्री अधिक है, एक समबहुभुज का एक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है, एक समबहुभुज का एक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, अच्छा प्रश्न है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह पूछा गया था सहायक परियोजना अधिकारी 2017, सहायक परियोजना अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है ये। अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 120 डिग्री अधिक है, अधिक और कम का मतलब अंतर, ध्यान से बनाओ भाई, अधिक और कम का मतलब अंतर होता है। अधिक कौन है उसका, आंतरिक कोण किससे, बाह्य कोण से, तो आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। कोशिश करो, एक और इक्वेशन तो आपको पता ही है कि आंतरिक और बाह्य कोणों का योग 180 होता है, एक इक्वेशन यहां से मिल गया, एक आपको पता है पहले से कि आंतरिक प्लस बाह्य बराबर 180, वहां से आपको आंतरिक कोण भी मिल जाएगा, बाह्य कोण भी मिल जाएगा, उसके बाद आप बाह्य कोण वाले को लेकर के भुजाओं की संख्या बताओ, ज्यादा आसान रहेगा भाई, कोशिश करो, दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बनाओ बनाओ, 15 आ रहा है क्या सबका, तरीके बहुत सारे हैं। अधिक और कम का मतलब अंतर दिया होता है, ये पढ़ा चुका हूं भाई, कोशिश करिए, बनेगा। पंद्रह आएगा क्या, देखो बता रहा हूं इसको, याद करो, इस प्रकार का इक्वेशन लिखना सिखाया था औसत में, याद आ रहा है, ऐसा इक्वेशन ए बी से दो अधिक है, ए बी से दो अधिक है, ऐसा अगर कुछ है तो इक्वेशन कैसा बनता है, ए माइनस बी बराबर दो, ऐसा कुछ इक्वेशन बनता है। अगर मैं बोलू ए बी से दो अधिक है तो ऐसा कुछ इक्वेशन आप बनाएंगे, a माइनस बी बराबर कितना, दो, याद करो ऐसा कुछ इक्वेशन आप बनाते हैं। तो वैसे ही यहां पर क्या बोला है, अंतःकोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है, अंतः मतलब इंटीरियर और बाह्य मतलब एक्सटीरियर, अंतः मतलब इंटीरियर मतलब आई से और बाह्य मतलब एक्सटीरियर मतलब ई से रिप्रेजेंट करूंगा, तो अंतःकोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है, तो I माइनस E का वैल्यू कितना दिया है, 132 डिग्री, समीकरण नंबर एक। कर पाएंगे ऐसा काम, बहुत आसान है यार, कैसे किए सर पता नहीं चला,
तो औसत का जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो बोला था ना, अधिक और कम वर्ड यूज होगा पूरे गणित में, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये अधिक और कम का मतलब होता है अंतर। अगर मैं बोला ए बी से दो अधिक है तो अंतर दिया है दो, लेकिन बड़ा कौन है? ए। बोला है ना ए बी से दो अधिक है तो बड़ा कौन है? ए। तो ए में से बी घटाऊंगा तो दो आएगा। वैसे ही बोला है एक अंतः कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है तो आई माइनस ई, बड़ा कौन है? अंतः कोण बाह्य कोण से, तो अंतः कोण बड़ा है मतलब इंटीरियर एंगल बड़ा है तो आई माइनस ई बराबर कितना? 132। एक और समीकरण जो कि आपको पहले से ही पता है, आई प्लस ई बराबर कितना होता है? 180। ये पहले से पता रहता है, ये पहले से पता है, ये शुरू से पता है अपन को। ये वाला प्रश्न में दिया है तो ये वाला इक्वेशन प्रश्न में दिया है और ये हमको पहले से पता है, आई प्लस ई हमेशा 180 के बराबर होगा। अब आप क्या करो, आप आई और ई निकाल लो यहां से, आई और ई निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ई और ई तो खत्म हो जाएगा, तो दोनों को मैं जोड़ देता हूं, वन प्लस टू कर देता हूं, तो आई और आई कितना हो गया? टू आई। और यहां पे कितना हो गया देखो, दो आठ और तीन ग्यारह, दो और एक तीन, यही आएगा क्या? 312 आ रहा है क्या? ठीक 312 आएगा। तो आई का वैल्यू कितना आएगा? दो से काटो, दो एक कम दो, दो पंचे दस, दो छिका बारह, तो आई का वैल्यू 156 आया। आई का वैल्यू 156 आया तो तुरंत ई का भी वैल्यू बता दो, 180 में 156 को घटा दो। इंटीरियर एंगल अगर 156 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? आंतरिक कोण अगर 156 है तो बाह्य कोण कितना होगा? बता सकते हैं कितना होगा? 24 डिग्री। तो आपको आंतरिक कोण मिल चुका है, बाह्य कोण मिल चुका है, अब तो पिछले प्रश्न के जैसा हो चुका है। देखो ना, आंतरिक कोण दिया है तो या तो ऐसे करके आप एन बता दो, बाह्य कोण दिया है तो आप ऐसे करके एन बता दो, तो आपके पास दोनों तरीका है, आंतरिक कोण पता है, बाह्य कोण पता है, तो आप अब अपने हिसाब से काम करो। प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला आसान रहता है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का वैल्यू मुझे दिया है, कितना दिया है? तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया है? 24। तो मैं क्या करूंगा, 360 बटा एन बराबर 24, तो एन का वैल्यू कितना आएगा? 360 बटा 24, 12 से काटो कितना आएगा? 30 और 2, 2 से काटो 15। वापस से बता दे रहा हूं, अच्छा प्रश्न है, और भी तरीके हैं लेकिन आराम से डील कर सकते हैं यहां से आप। सबसे पहले तो इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए, सम बहुभुज का एक अंतः कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है, तो एक अंतः कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। अधिक कौन है? अंतः कोण किससे? बाह्य कोण से। तो अधिक और कम का मतलब अंतर, याद करो ए बी से दो अधिक है। एक तरीका और होता है कि आप ऐसे लिख दो, ए बी से दो अधिक है, लेकिन जनरली ऐसे मत लिखा करो। मैं बताया हूं कि अधिक और कम का मतलब अंतर होता है, तो ए बी से दो अधिक है तो आप क्या लिखेंगे? ए माइनस बी बराबर दो। अधिक और कम का मतलब अंतर, बड़े से छोटे को घटाना है बस। तो ए बी से दो अधिक है तो अधिक कौन है? ए। किससे? बी से। तो ए माइनस बी बराबर कितना लिख दिया? दो लिख दिया। उसी प्रकार बोला है एक अंतः कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है, तो अधिक कौन है? अंतः कोण। तो आई माइनस ई बराबर 132। अंतः मतलब आई, बाह्य मतलब ई, तो आई माइनस ई बराबर 132। एक नंबर समीकरण दे दो। एक और जो कि आपको पता है कि सर कोई भी बहुभुज बनाओ, कोई भी बहुभुज हो, उसके आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180 होगा, तो आई प्लस ई हमेशा 180 होगा, ये हमको पता है। अब दो समीकरण दोनों को सर जोड़ देते हैं, जोड़ने पर आई और आई हो गया 2i, माइनस ई प्लस ई खत्म हो गया, ये हो गया 312, तो आई मिल गया 156, मतलब अंतः कोण 156, तो बाह्य कोण 24, अंतः 156 मिला, रख दो यहां पे 156, तो बाह्य कितना मिल जाएगा? 180 में 156 घटेगा 24, और इतना सब मत सोचा करो भाई, 156 अगर अंतः कोण है तो 180 के लिए कितना और बच रहा है? 24, वो बाह्य कोण होगा। अब आपके पास दो तरीके हैं, अंतः कोण आ चुका 156, बाह्य कोण आ चुका 24, तो बाह्य कोण वाला फॉर्मूला आसान रहता है। तो प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री का है, देख सकते हैं प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का है? 24, और प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला लगा दो, बराबर में 24 लिखो, एन का वैल्यू कितना आएगा? 15।
काहे के लिए आंतरिक कोण वाला फॉर्मूला लगाओगे? ये देखो, आंतरिक कोण वाला फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। प्रत्येक आंतरिक कोण 156 है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण 156 डिग्री, इसका फॉर्मूला थोड़ा लेंदी होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई n बराबर 156। काटिए इसको, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, कितना आएगा 15n माइनस 15 दूनी 30 बराबर 13n। तो 15n में से 13n घटेगा, माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, 2n बराबर 30, तो n कितना 15। क्यों मैं इतना लेंदी करूंगा? प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला आसान होता है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का डेटा यूज करके मैं n बताना चाहूंगा, ना कि प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला लगा के। अगर मुझे प्रत्येक आंतरिक कोण पता है, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण पता है, मतलब यहां से तो प्रश्न पिछले जैसा ही हो गया है। ये देखो, पिछले जैसा प्रश्न हो गया है। तो शुरुआत में जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी, यहां से आपको क्या करना था, आपको यहां से निकालना था आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान। तो अधिक और कम का मतलब अंतर सीधे लिखेंगे, और ये तो अंडरस्टूड है, हमेशा होता है, हमेशा प्रश्न में नहीं बोलेगा तो भी आपको आई प्लस ई बराबर 180 हमेशा यूज कर लेना है। दो समीकरण है, दो अननोन है, आई और ई निकला, ई को लेकर बनाना ज्यादा आसान रहेगा। समझ आया भाई? जिनसे नहीं बना था, बन जाएगा, बोलो, लिखो एग्जाम्पल। सेम ऐसा ही एक और प्रश्न पूछा गया था, चलो सेम ऐसा ही एक और प्रश्न था, लिखेंगे। एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है। एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से, इसके बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है, 90 डिग्री अधिक है। एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो इसकी भुजाओं की संख्या, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। बनाइए सभी लोग, वही प्रश्न है, ये तो बन ही जाएगा भाई। ये बनना चाहिए सभी से। क्या आएगा? 8 आ रहा है क्या? ये तो बन जाएगा। सिमिलर प्रश्न है पिछले के जैसा, एकदम सिमिलर है पिछले प्रश्न के जैसा, एकदम सेम टू सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पिछले प्रश्न के जैसा है ये। प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है, 8 आ गया सभी का। एक सम बहुभुज का, नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है, तो प्रत्येक आंतरिक, आंतरिक का मतलब इंटीरियर एंगल, इसके एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है। तो ऐसा बनेगा समीकरण, आंतरिक कोण बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है, मतलब आंतरिक माइनस बाह्य बराबर 90। और एक समीकरण जो कि हमेशा आपको ट्रू होता है, ये पता ही है, आंतरिक प्लस बाह्य कोण का योग कितना होगा? 180। दोनों को जोड़ दो, जोड़ना ज्यादा आसान रहेगा, जोड़ेंगे तो ई और ई खत्म, आई और आई हो गया 2i, 2i बराबर कितना 270, तो आई कितना हो जाएगा 135, 270 का आधा कितना 135, सीधे सोचा करो भाई। दोनों को जोड़ा तो ई और ई खत्म, आई और आई हो गया 2i, 2i बराबर 270, आई और आई जोड़ा तो 2i, 90 और 180 जोड़ा तो 270, तो आई का वैल्यू कितना आया 135, आई का वैल्यू 135 मतलब इंटीरियर एंगल 135,
तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 45, एक्सटीरियर हो जाएगा 45। अब एक्सटीरियर एंगल मिल गया है, इंटीरियर एंगल भी मिल गया है, मतलब आपको आंतरिक कोण पता है, आपको आंतरिक कोण पता है और बाह्य कोण भी पता है, तो कौन सा यूज करना ज्यादा आसान रहेगा? बाह्य कोण वाला यूज करना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि प्रत्येक बाह्य कोण, ये देखिए प्रत्येक बाह्य कोण आपको मिल चुका है 45, तो ये यूज करना ज्यादा आसान रहेगा। प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटा एन बराबर 45, तो 360 को 45 से भाग दे दो, एन का वैल्यू मिल जाएगा। पांच से काट दो, पांच सत्य 35, पांच दूनी 10, पांच नवा 45, नौ अठे 72, तो एन का वैल्यू कितना आया 8। आंतरिक कोण को मत यूज करना, बाह्य कोण का फॉर्मूला आसान होता है, सीधे 360 बटा एन। तो ये पूछे गए प्रश्न है, जितने भी आज प्रश्न किए हो अभी तक वो सारे प्रश्न व्यापम के एग्जाम के पूछे गए हैं। तो अधिक और कम इसीलिए मैंने बोला था कि हर जगह पर यूज होगा। तो प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है, तो आपने इक्वेशन बनाया आई माइनस ई, कंफ्यूज मत होना, आंतरिक मतलब आई इंटीरियर होता है और बाह्य मतलब ई एक्सटीरियर होता है। आपको कुछ और चीज से रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हो, बाकी आंतरिक मतलब आई इंटीरियर, बाह्य मतलब ई एक्सटीरियर, तो आंतरिक को आई से और बाह्य को ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आई ई से 90 डिग्री अधिक है, तो आई माइनस ई बराबर 90 डिग्री। अगर आई ई से 90 डिग्री अधिक है तो आई माइनस ई बराबर 90 डिग्री, और ये तो आपको पता ही है कि आई प्लस ई 180 होता ही है, कंफर्म है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करने पर कैसे सॉल्व करेंगे, जोड़ देने पर आई और आई हो गया 2i, ई खत्म, ये 270, दो ठो आई 270 के बराबर, तो एक ठो आई 135 के बराबर। तो आंतरिक कोण 135, तो बाह्य कोण कितना 45। अब बाह्य कोण 45, तो बाह्य कोण का फॉर्मूला लगा दो, 360 बटा एन का वैल्यू 45 है, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। बनेगा भाई, अब कमेंट करो, पिछले प्रश्न में जिसको डाउट रहा होगा अब तो बन जाएगा। और ये दोनों अगर है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान है? आंतरिक कोण वाला फॉर्मूला लगाने पर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ये देखो ना, आंतरिक कोण का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, और प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला लगाने पर कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए बाह्य कोण को लेकर बनाना ज्यादा आसान है। देखिए, यदि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण 135 डिग्री हो, यदि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण 135 डिग्री हो, यदि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण 135 डिग्री हो, आंतरिक कोण मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक कोणों का योग बोलेगा तो बात अलग है, यहां पर बोला किसी बहुभुज का आंतरिक कोण मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना बता रहा है 135 डिग्री। तो यदि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण 135 डिग्री हो तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें, तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें बनाओ भाई जल्दी से, ये बनना चाहिए आप लोग से, क्या आएगा विकर्णों की संख्या 20 आ रहा है क्या? ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, देखो कितने फटाफट बन रहे हैं, और ये सबको बच्चे छोड़ के जाते हैं, कितने आसान टॉपिक्स हैं ये, नाम से बस टफ है भाई, थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ोगे ना, चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो बहुत आसान है, सिस्टमेटिक थोड़ा चैप्टर वाइज पढ़ोगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। एक सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, समस्या कहीं पे नहीं आएगी। आंतरिक कोण दिया है तो बाह्य कोण भी पता है मेरे को, तो पहले भुजाओं की संख्या बता दूंगा मैं कि वो बहुभुज में भुजाएं कितनी है, मुझे पता चल गई सर, तो मैं विकर्णों की संख्या तो बता ही दूंगा फिर। तो सबसे पहली बात दिमाग में चल रहा है, सर आंतरिक कोण दिया है तो बाह्य कोण भी पता है,
आंतरिक कोण 135 है तो बाह्य कोण 45 होगा, 135 में क्या जोड़ू जिससे 180 आ जाए, तो आपने बोला 45 जोड़ दो सर। आंतरिक कोण 135 तो बाह्य कोण हो गया 45, आंतरिक कोण में क्या जोड़ू जिससे 180 आ जाए, तो आपने बोला 45 जोड़ो सर, तो आंतरिक कोण में 45 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 180 आ जाएगा, और आंतरिक और बाह्य कोणों का योग 180 होना तय है। तो जैसे ही आपको प्रश्न में आंतरिक कोण दिया, पहले बाह्य कोण निकाल लेना। अब प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का, तो प्रत्येक बाह्य कोण या बाह्य कोण 45 डिग्री का, इसका फॉर्मूला लगा दो, प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटा एन करके निकालते हैं, तो एन का वैल्यू 360 को 45 से भाग दे दो। अभी तो दिए थे 5 × 9 = 45, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, एन का वैल्यू आया 8, मतलब उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, अष्टभुज है वो। तो आप बनाने मत बैठना अष्टभुज, विकर्णों को खींचने मत बैठना भाई, व्यवहारिक काम करना, सीधे विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला n × n-3/2, तो 8 × 8-3/2 कितना जाएगा, देखो 4 × 5 कितना आएगा 20। अब खींचने बैठोगे तो समय लग जाएगा, तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला नहीं पता होता तो खींचते अपन, और खींचने तो जानते हो ना, बस संतुष्टि रहना चाहिए मन में कि सर मुझे विकर्ण खींचने आते हैं, लेकिन एग्जाम निकालना है तो मैं खींचूंगा नहीं, फॉर्मूला लगा दूंगा, खींचने मुझे आते हैं, शीर्षों को मिलाना तो है बस, तो विकर्ण मुझे खींचने आते हैं लेकिन मैं खींचूंगा नहीं, मैं सीधे बताऊंगा फॉर्मूला लगा के, एन का वैल्यू 8, 8 - 3 = 5, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो आपने यहां पर देखा कि सर आंतरिक कोण 135 डिग्री दिया था, तुरंत आपने बाह्य कोण बताया 45 डिग्री, और बाह्य कोण का फॉर्मूला 360 बटा एन बराबर 45, तो एन का वैल्यू 8, इसका मतलब वो अष्टभुज है, और अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी 20। बढ़े आगे, बन रहा है ना सभी से, अगला क्वेश्चन लिखिए। अच्छा ऐसा इक्वेशन लिखने जानते हो ना, अगर मैं बोलू ए बी का दोगुना है, अगर मैं ऐसा बोलू ए बी का दोगुना है तो कैसे लिखोगे, ए बी का दोगुना, जिसके बगल में का लगा उसके बगल में गुणा लगा देना, ए बी का दोगुना, कहने का मतलब बी में दो का गुणा करूंगा तब मुझे कौन प्राप्त होगा, ए बी का दोगुना है कौन, ए, तो रीड करने भी आना चाहिए, बी का दोगुना, ये देखो बी का दोगुना है कौन, ए है, तो बी का दोगुना कौन है, ए है, तो ए बी का दोगुना है मतलब बी में दो का गुणा करूंगा तब कौन प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा, तो बी में दो का गुणा करूंगा तब जाकर ए प्राप्त होगा, ऐसे इक्वेशंस आपको लिखने आने चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, सहायक ग्रेड 3 2017 में पूछा गया था, सहायक ग्रेड 3 2017, यदि किसी सम बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का दोगुना है, 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 तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, प्रत्येक आंतरिक कोण मतलब इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का डबल है, तो एक समीकरण यहां से बनाओ और एक आपको पता ही है, दोनों का यूज करके आई और ई निकाल लो, आई और ई निकला तो भुजाओं की संख्या बताने में मुझे नहीं लगता कोई समस्या आएगी आपको। ये देखो फटाफट आंसर दे रहे हो, सहायक ग्रेड 3 2017 का प्रश्न है ये, सारे प्रश्नों को डील करा दे रहा हूं जो पूछे गए हैं।
बनाओ बनाओ इक्वेशन बनाओ, एक आप खुद से बनाओ, और एक तो होता ही है आई प्लस ई बराबर 180, वो तो होता ही है, और एक प्रश्न में दिया है वहां से बनाइए इक्वेशन। प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का दोगुना है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का दोगुना है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक मतलब इंटीरियर एंगल, बाह्य कोण का मतलब एक्सटीरियर का दोगुना, ऐसा लिखेंगे। प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक का मतलब इंटीरियर एंगल, बाह्य कोण का मतलब एक्सटीरियर का दोगुना है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का दोगुना है, बाह्य कोण का दोगुना है, ऐसा बनेगा इक्वेशन। तो I बराबर 2E, और एक समीकरण जो कि आपको पता ही है I प्लस E बराबर कितना 180, ये आपको पता ही है। अब यहां से देखो क्या आएगा, I का वैल्यू जो है ना इसको समीकरण दो में रख दो, ज्यादा आसान रहेगा, घटाना जोड़ना छोड़ो, यहां पे प्रतिस्थापन विधि लगाओ। I का वैल्यू कितना है 2E, देखो एक बार इधर ध्यान से, इन दोनों को सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है याद आ रहा है, प्रतिस्थापन विलोपन ब्रज गुणन खंड आरेख विधि, ऐसी बहुत सारी विधियां आपने बचपन में सीखी होंगी। इससे पहले जो काम कर रहे थे ना अपन, ये वाला ये विलोपन था, विलोपन मतलब दोनों को जोड़ा तो ई विलोपित हो गया, आई मिल गया मुझे, और यहां पर प्रतिस्थापन लगाना ज्यादा आसान है। प्रतिस्थापन क्या बोलता है, समीकरण एक में आई का जो मान है इसको समीकरण दो में रख दो, तो आई का मान कितना 2E, आई का मान 2E, इसको समीकरण दो में रखा तो 2E प्लस E बराबर कितना 180, तो 3E बराबर कितना 180, तो E का वैल्यू कितना आया 60, E का वैल्यू आया 60 डिग्री। तो I का वैल्यू भी बता सकते हैं, आवश्यकता नहीं है, I का वैल्यू कितना आएगा 120, आवश्यकता नहीं था I का वैल्यू बताने का, E का मिल चुका है तो I का बताने का आवश्यकता नहीं था, फिर भी आपने बता दिया। E का वैल्यू 60 मतलब बाह्य कोण 60 और आंतरिक कोण कितना 120, बाह्य कोण वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है, तो प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है, तो बाह्य कोण का फॉर्मूला 360 बटा एन बराबर 60, तो एन का वैल्यू 360 बटा 60 यानी कि कितना आ जाएगा 6, तो एन का वैल्यू 6 मतलब उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 है। तो ये वाला इक्वेशन आपको पहले से पता है, हर प्रश्न में इसका यूज कर सकते हो आप, और ये वाला आपको प्रश्न में दिया है ताकि दो इक्वेशन हो जाएं और दो अननोन आप फाइंड कर पाएं, क्योंकि दो इक्वेशन से दो अननोन फाइंड होते हैं, तो दो इक्वेशन से दो अननोन फाइंड होते हैं, तो दो इक्वेशन आपको पता है कौन कौन से, ये तो आपको हर प्रश्न में यूज हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण बाह्य कोण का दोगुना है, जिसके बगल में का उसके बगल में गुणा, कंफ्यूजन कभी हो ना तो ऐसा करना, जिसके बगल में का उसके बगल में गुणा, तो आंतरिक कोण यानी कि आई, बाह्य कोण यानी कि ई, का यानी कि गुणा, दोगुना यानी कि दो है यानी कि बराबर, जैसा बोला हिंदी में उसको लिख दिया गणित में। आंतरिक कोण मतलब आई, बाह्य कोण मतलब ई, का मतलब गुणा, दोगुना मतलब दो है मतलब बराबर। कहने का मतलब बाह्य कोण में मैं दो का गुणा करूंगा तब आंतरिक मिलेगा, उल्टा काम मत करना, दो को इधर गुणा मत करना, लिखने के बाद समझ में भी आना चाहिए कि आंतरिक कोण बाह्य कोण का दोगुना, मतलब बाह्य कोण में दो का गुणा करूंगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा, आंतरिक मिलेगा। तो ये आपको समझ में भी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखेंगे फूड इंस्पेक्टर 2022, फूड इंस्पेक्टर 2022 का प्रश्न है, फूड इंस्पेक्टर 2022 लिखेंगे, दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात, 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 एक अनुपात दो है, दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात एक अनुपात दो है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, पहले बहुभुज का
प्रत्येक आंतरिक कोण पहले बहुभुज का, प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो दूसरे बहुभुज का, दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बता दोगे भाई? जल्दी से बनाओ, ये बनना चाहिए, ये बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है। दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रिया बता पा रहे हो क्या आप? दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा है, तो पहले बहुभुज का आंतरिक कोण दिया है तो वहां से मुझे पहले बहुभुज का भुजा मिल जाएगा क्या? पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण दिया है, पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण दिया है मतलब बाह्य कोण पता है, तो वहां से पहले बहुभुज का भुजा मिल जाएगा मुझे। आंतरिक कोण का यूज करके बनाओ या बाह्य कोण का यूज करके बनाओ, आपका मन है भाई। तो पहले बहुभुज का आंतरिक कोण पता है मतलब बाह्य कोण पता है, तो वहां से पहले बहुभुज का भुजा मिलेगा। पहले बहुभुज का भुजा मिला तो ये रेशियो से आपको क्या मिलेगा? दूसरे बहुभुज का भुजा, क्योंकि पहले और दूसरे बहुभुज की भुजाओं की संख्या में 1:2 का अनुपात है। तो पहले बहुभुज का भुजा मिला तो दूसरे वाले का भुजा तुरंत सोच लोगे, और दूसरे वाले का भुजा मिला तो आप प्रत्येक आंतरिक कोण बता दो या प्रत्येक बाह्य कोण बता दो और वहां से आंतरिक बताओ, आपका मन है, आंसर सही निकालना है आपको। कितना आएगा? इतना कम लोगों का आंसर आया अभी तक यार, 150 आएगा ना? फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया था 2022 में। बनाओ बनाओ जल्दी से, दिमाग चलाओ, बाह्य कोण को आधार मान के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो। बाह्य कोण को आधार मान के क्वेश्चंस को बनाना आसान है क्योंकि बाह्य कोण का मान 360 बटा एन होता है। तो बाह्य कोण का मान 360 बटा एन होता है, तो बाह्य कोण को अगर आप आधार मान के प्रश्न को बनाओगे ना तो प्रश्न आसानी से बनेगा आपसे। बहुत बढ़िया, देख पा रहा हूं कमेंट में सभी लोगों के, बहुत बढ़िया, शानदार, यही सब प्रश्न तो बनते हैं, देख पा रहे हो। मैं पटवारी का प्रश्न कराया, सहायक परियोजना अधिकारी का प्रश्न कराया, सहायक ग्रेड 3 का प्रश्न कराया, फूड इंस्पेक्टर का प्रश्न कराया, यही सब प्रश्न बनते हैं। देखो दिमाग चल रहा है क्या? ऐसे दौड़ेगा दिमाग, कैसे दौड़ेगा पता है? प्रत्येक बहुभुज का पहले बहुभुज का होगा, प्रत्येक लिख दिया हो, पहले बहुभुज का, पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120। दिमाग कैसे दौड़ेगा पता है? सर पहले बहुभुज का आंतरिक कोण 120 है ना, तो बाह्य कोण कितना होगा? 60 डिग्री। तुरंत आपका दिमाग चलेगा कि सर बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा, ऐसा। समझ पा रहे हैं? पहले बहुभुज का आंतरिक कोण 120 तो बाह्य कोण कितना? 60। बाह्य कोण 60 है ना सर, तुरंत बाह्य कोण का फॉर्मूला लगाऊंगा, 360 बटा एन बराबर 60, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। मतलब पहले वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 6। तो पहले वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है सर? 6 है। अब पहले वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 है तो ऑब्वियस सी बात है सर, दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? 12, क्योंकि रेशियो 1:2 तभी बनेगा जब पहले वाले में 6 है तो दूसरे में क्या हो जाए? 12। तो दूसरे वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी सर? 12। अब उसका आंतरिक कोण ना निकाल के बाह्य कोण निकालूंगा मैं, देखना, मैं पहले बाह्य कोण निकालूंगा, ये देखो मैं पहले बाह्य कोण निकालूंगा, बाह्य कोण, बाह्य कोण का फॉर्मूला 360 बटा एन मतलब 360 बटा 12 मतलब कितना? 30 डिग्री। तो दूसरे वाले बहुभुज का बाह्य कोण 30 डिग्री तो आंतरिक कोण 150 डिग्री, ऐसे बताऊंगा मैं, ऐसे बताऊंगा। ऐसे कैलकुलेशन करने में काम बहुत आसानी से होगा। आप सीधे आंतरिक कोण बता दो, सीधे आंतरिक कोण बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे आंतरिक कोण बता दो तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा? एन माइनस 2 × 180 बटा एन, एन का वैल्यू कितना? 12 रख दो, 12 में दो गया कितना? 10 × 180 बटा कितना?
12, 12 से कट किया 15, 15 दहम 150, ऐसे भी बता सकते हो। वापस से समझाता हूं क्या क्या किया हूं, एक बार देखो क्या बोला। दो बहुभुज जो हैं उनकी भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है, मतलब उनकी भुजाओं की संख्या में अनुपात 1:2 है। अब पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का है, तुरंत यहां से आपने बोला कि सर अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का है तो प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का होगा। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 120 का तो बाह्य कोण 60 का होगा सर। अब बाह्य कोण अगर 60 का है ना सर, तो भुजाओं की संख्या तुरंत बताऊंगा, ये बाह्य कोण का फॉर्मूला लगा दिया, बाह्य कोण कितना आया 60, तो भुजाओं की संख्या 6। इसका मतलब पहले बहुभुज में भुजाओं की संख्या 6, तो रेशियो 1:2 होना है। इसका मतलब दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12, तो दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है सर, तो मैं पहले इसका बाह्य कोण बता देता हूं, 360/12 मतलब 30 डिग्री का। अगर दूसरे वाले बहुभुज का बाह्य कोण 30 डिग्री का है तो आंतरिक कोण 150 डिग्री का होगा सर, या फिर आप सीधे आंतरिक कोण ही बता दो, भुजाओं की संख्या 12 है तो प्रत्येक आंतरिक कोण सीधे बता दो 150 डिग्री का। तो मेरा प्रायोरिटी क्या होता है, बाह्य कोण पे काम करना, बाह्य कोण 30 तो आंतरिक कोण 150 ऐसे निकलता है। बाह्य कोण का फॉर्मूला 360/n थोड़ा आसान हो जाता है। पहले बहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 तो दूसरे में 12 कैसे, क्योंकि रेशियो 1:2 तभी होगा जब पहले वाले में 6 है तो दूसरे में क्या होगा 12 होगा। तो दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है, अब भुजाओं की संख्या 12 है तो प्रत्येक आंतरिक कोण तो बता ही सकते हो यार, या तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला लगा दो या प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला लगा के बाह्य कोण निकालो, वहां से आंतरिक तो बता ही सकते हो, बन जाएगा। फूड इंस्पेक्टर 2022 में आया था ये। टीमा ये देखो ना, बोला है ना दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात, मतलब पहले वाले बहुभुज में और दूसरे वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। तो पहले वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 6, तो दूसरे वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। आपको दिया है प्रश्न में कि पहले और दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है, तो पहले वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपने 6 बता दी, तो दूसरे वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो ये डब्बा कितना निकलेगा, 6×2 = 12 निकलेगा। या आप ऐसा सोचो 6 के नीचे कितना लिखूं ताकि ये 1/2 बन जाए, तो 6 के नीचे 12 लिखूंगा तभी तो ये 1/2 बनेगा, सेटिस्फाइड करेगा इसको। इसका मतलब दूसरे वाले बहुभुज की भुजाएं कितनी है 12। अब दूसरे वाले बहुभुज की भुजाएं अगर 12 है तो आप बाह्य कोण बताओ 30, तो आंतरिक कोण कितना 150। समझ आया टीमा और अजीता। अजीता आपको समझ आया क्या? सचिन क्या बोल रहे हो, सचिन क्या बोल रहे हो भाई? चलो यहीं तक रखते हैं, आपकी क्लास है 4 बजे, मिलते हैं अपन एलसीएम एचसीएफ को लेकर के। आपकी अभी सीडीपी की क्लास है शायद। अजीता ये देखो ना यार, इसमें क्या है, अरे इसमें क्या है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, इतना सिंपल सा डेटा तो है, ध्यान दो यहां पर, समझो, देख लो भाई, जिसको डाउट है एक बार देख लो, बाकी लोग क्लास को छोड़ सकते हो, छोड़ना है तो। अनुमेहा देख लो भाई, रेशियो दिया है ना, दो बहुभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 1:2, पहले बहुभुज की भुजा और दूसरे बहुभुज की भुजा दोनों का अनुपात दिया है 1:2। अब पहले बहुभुज की भुजा मिल गई ना आपको, कैसे मिली, पहले वाले बहुभुज का आंतरिक कोण दिया था 120, तो पहले वाले बहुभुज का आंतरिक कोण 120 दिया था, तो आपने बोला बाह्य कोण निकाल लो ज्यादा आसान रहता है सर, तो आंतरिक कोण 120 तो बाह्य कोण 60। अब बाह्य कोण का फॉर्मूला लगाया 360/n, इसका वैल्यू 60 है, तो n कितना मिला 6, मतलब पहले वाले बहुभुज की भुजा कितनी है 6, तो पहले वाले बहुभुज की भुजा अगर 6 है ये देखो, तो दूसरे वाले बहुभुज की भुजा कितनी निकलेगी, तो ये कितना निकलेगा, देखो 6 × 12
और या ऐसा समझो ना, पहले वाले बहुभुज और दूसरे वाले बहुभुज की भुजाओं में अनुपात 1:2 होना चाहिए। तो अगर पहले वाले बहुभुज की भुजाएं 6 हैं तो दूसरे वाले बहुभुज की भुजाएं 12 होंगी, तभी तो अनुपात क्या बनेगा, 1:2। तो दूसरे वाले बहुभुज की भुजाएं मेरे को मिल गई कितनी, 12। अब पूछा क्या है, आंतरिक कोण बताओ। तो या तो आंतरिक कोण ये वाले फॉर्मूले से बता दो, या तो आप बाह्य कोण पहले निकालो, उसके बाद बचा हुआ क्या है, आंतरिक कोण। चलो धन्यवाद, मिलते हैं कल।